इतने अच्छे से रोस्ट कर रही नहीं। चिकन इसमें डालते हुए मैरिनेशन के लिए मैंने इसको यहाँ पे फटाफट बन गया है हमारा चिकन टिक्का पिज्जा ब्रेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, और आप सभी का स्वागत है नियान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। तो आज है अल्हम्दुलिल्लाह चौथा रोजा, अभी तक तो बहुत ही अच्छे से जा रहा है, और मैंने उठ के नमाज भी पढ़ ली हूँ, सब कुछ कर ली हूँ, बस अभी मैं जा रही हूँ इफ्तारी की तैयारी करने। और मैं सुफियान का उठा उठा के थक गई हूँ। सूफी उठो, आज भी अपने को रेसिपी वीडियो बनानी है। तुम उठोगे नहीं तो बनाऊंगी कैसे मैं? उठाऊ मैं? उठे हुए रेल बेड पे लेटे हुए। हाँ बस बॉडी दुख रही है इनको ना। अब्बा ने चैलेंज क्या दे दिए कि ईद में देखते कौन अच्छा दिखता है, बॉडी वॉडी कौन सी किसकी अच्छी लगती है। इन्होंने बहुत सीरियसली ले लिए, रोज जिम जाके आते हैं और रोज बेड पे पड़े रहते यही बोल के कि मेरी बॉडी दर्द हो रही है। जब नहीं होता तो करने का नहीं ना। नहीं भी बहुत टाइम बाद जिम गया ना, एक साल इसके लिए दर्द हो रहा है। हाँ ना, तो अभी क्या होगा, आज भी यही होगा। फिर मैं फटाफट रेसिपी बनाना स्टार्ट कर दूंगी, फिर ये बीच में से कूदेंगे, फिर मैं पूछेंगे कि कितना क्या बनाए क्या नहीं बनाए, फिर ऐसा ही होगा सूफी। हाँ वेरी गुड, दिस इज लाइक माई गुड बॉय। चलो उठो। सो गाइज फाइनली आई एम बैक। और नीता जो बोल रही थी मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, जो लोग जिम जाते हैं उन्हें पता होगा कि अगर आप 6 महीने बाद अगर लेग्स मारते हो तो आपके पैर की हालत क्या होती है। आप उठ नहीं पाते हो, आप बैठ नहीं पाते हो, आप बैठते हो तो उठ नहीं पाते हो, उठते हो तो बैठ नहीं पाते हो, ना वॉशरूम जा पाते हो। इतनी हालत खराब है और इतने मतलब आवाज आ रही मेरी चलने फिरने में, क्या बताओ आप लोगों को। ये लड़कियां क्या समझेगी यार, बताओ मेरे को तुम लोग। देखो अभी मेरे को उठा दिए, मैं नमाज वमाज पढ़ लिया और ये देखो क्या कर रही है अंदर ही। नीता चालू हुआ तुम्हारा? क्या हुआ, कहाँ पे पहुंचा है? चिकन बॉईल करने रखी हूँ। मुंह क्यों छुपा रहे हो अपना? मुंह का छुपा रही हूँ। गाइस देखो अभी तक इसने चिकन बॉईल नहीं करी और मेरे के पीछे पड़ी थी कि उठो 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 उठो, अभी तक मेरे को बिठा के रख दिया यहाँ पर। क्या करने का मेरे को अभी? फिर कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है ना, मैं जाके बैठू? तुम सो जाते हो, जब चालू करूंगी तब तुम बोलोगे। देखिए देखिए मेरे को मालूम था पहले से, इसके लिए ना मैं इसके हमेशा एंड टाइम पे उठता हूँ, मेरे को मालूम है कि ये टाइम पास करवाती मेरे से। चलो अब तक मैं साइड का काम कर लेता हूँ। गाइस ये पर्दे भी लगाने का है, पता है आप लोगों को, मैं सब काम करता हूँ, मैं पर्दे लगा देता हूँ तब तक कि इसका हो जाएगा, फिर मैं जाके सीधा रेसिपी बताता हूँ आप लोगों को। ऑन पब्लिक डिमांड आज हम लोग बनाएंगे वो पिज्जा सैंडविच वाला जो ब्रेड के ऊपर बनता है विदाउट ओवन, जो आप लोग बना सकते हो घर पे, जो कि बहुत ही सस्ता बनता है और बहुत ही यमी रहता है। तो बस गाइस स्टे ट्यून, मैं जाके भी आप लोगों को रेसिपी बताने ही वाला हूँ, ठीक है। सो गाइस सबसे बड़ा टास्क यही है कि ये हुक को एक एक के अंदर डालना है छोटे छोटे, जिसके लिए बहुत टाइम लगता है। गाइस ये नॉर्मल वाला पर्दा नहीं है जिसमें हुक में डाल दे घुसा घुसा के कर दे, इसमें एक एक करके निकालना पड़ता है एक। फिर कभी कभी क्या होता है ना कि एक एंड से निकलता, एक एंड में लगाओ दूसरे एंड से निकल जाता है, फिर वहां से लगाओ तो बीच से निकल जाता है। बहुत मगजमारी यार गाइस, बहुत बड़ा टास्क है। 3 दिन से मैं बात को टाल रहा था, आज मेरे को फाइनली करना ही पड़ रहा है। ये कर लेते हैं, बताओ। ये देखो मैंने क्या बोला था, वहां से ये कॉर्नर पे लगाऊंगा तो ये कॉर्नर का निकल जाता है, देखो ऐसा अटक गया है सब पूरा, बहुत इरिटेटिंग लगता है मालूम मेरे को ये। सो गाइस पिज्जा सैंडविच के साथ में एक और एक चीज बन रही थी, क्या बन रही है? ये मैं बना रही हूँ मलाई टिक्का, मलाई टिक्का, चिकन मलाई टिक्का बोनलेस लेके इसके अंदर डाली, मतलब इसमें क्या डाली, फ्राई पैन में मैंने पानी और जिंजर गार्लिक पेस्ट और जिंजर गार्लिक कोथमीर और चिली का एक पेस्ट बना दी और वो डाल दी पानी के साथ, और अभी चिकन डाल दी ताकि चिकन इसमें बॉइल हो जाए, तो भाई इसको चिकन को तेज चढ़ने के लिए। यस फिर हम लोग मैरिनेशन का कुछ बनाएंगे, और उसके लिए सैंडविच के लिए मैंने चिकन बॉइल कर चुकी हूँ, सैंडविच नहीं पिज्जा ब्रेड ना, पिज्जा पिज्जा सैंडविच नहीं बोलते उसको, पिज्जा सैंडविच बोलता हूँ मैं उसको, पिज्जा ब्रेड रहता है वो, पिज्जा सैंडविच बोलते उसको। तो उसके मैं चिकन बॉईल करके रखी हूँ, कैप्सिकम ऑनियन और दोनों बेल पेपर्स इसको भी मैंने चॉप कर दी हूँ एक साइज में सबकी हूँ। सो गाइस जब तक वहाँ पे रेसिपी बन रही है तब तक तुम्हारे भाई ने सब जगह के पर्दे लगा दिए थे, गाइस हॉल में भी लग गए पर्दे, किचन में भी लग गए, और अपना ये वाले बेडरूम में भी लग गए, और ये वाले बेडरूम में भी लग गए। इसे कहते हैं गाइस मल्टी टैलेंटेड। अब देखते हैं निदा की गाड़ी कहाँ तक पहुंची। निदा तुम्हारा कौन सा स्टेशन आया है अभी? अभी मेरा आया है, मैंने चिकन की चटनी बनाई है। अच्छा चिकन की चटनी बनाई है तुमने? ग्रीन कलर की चटनी आती है ना। हाँ उसकी पुदीने की। हाँ पुदीने की बराबर है, तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल है, क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल है, उसमें भी टाइम लगता है। हाँ तो चलो अभी क्या करने आगे, चलो सिटी मारा देखो, इंजन चालू हो गया। जब तक आप देख रहे हो कि इसका जो पानी था सब कुछ सूख गया, गया है बराबर, यस पूरा चिकन के अंदर चला गया है, पूरा चिकन के अंदर चला गया पानी। तो जब तक इसको पकाना है, और अभी हम लोग इसका मैरिनेशन जो है वो रेडी करेंगे, फिर उसके अंदर इसको मैरिनेट करके रखेंगे, फिर हम लोग लेंगे चिकन पिज्जा। तो ये इतना ही है, ये बन गया, इसका मैरिनेशन है ना, फिर उसके बाद रोस्ट करना है। तो बोल रहा हूँ जैसा तुमको रोस्ट करता हूँ मैं। सो गाइस मैरिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, दही लेंगे हम थोड़ी सी, बहुत सारी, जितना आपका चिकन है उसके हिसाब से लीजिए, और फिर इसके बाद हम लोग लेंगे इसमें क्रीम, कौन सी क्रीम है,
फ्रेश क्रीम फ्रेश क्रीम डाल सकते ना उसमें, हाँ फ्रेश क्रीम ही डालना है। चलो अपना काम करो। देखो इससे भी क्रीम भी नहीं खुल रहा, बोलो क्या खुल रहा है, क्या खाना बना रहा है, क्या बात है। और अब निकल भी नहीं रहा इससे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीज। आपके ऊपर है कितने स्लाइसेस डालना है। व्हाइट ऑनियन पाउडर, ये क्या है, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा ना ज्यादा, बिकॉज वन टेबल स्पून से ज्यादा रहेगा तो फिर वो उसकी खुशबू आती है। ये हो गया। अभी इसमें डालेंगे हम लोग थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर आटा, कैश्यू नट भी आ गया अपना पेस्ट, काजू का पेस्ट, यस। मैदा डाला नहीं तुमने? अरे डाली है बाबा, मैदा नहीं डालना है इसमें। कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर इसको मैदा ही तो बोलते नहीं। कॉर्नफ्लावर एंड मैदा इज टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अभी क्या जा रहा नीता? कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा पेस्ट को गाढ़ा करने के लिए। इतना भी गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा खाना पड़ रहा है चबाने की जगह। नहीं, कॉर्नफ्लावर से क्या होता है ना, चिकन पकड़ लेती है। किसको? अच्छा मैरिनेशन में, किसको पकड़ लेती चिकन, कहीं पेट में जिंदा नहीं हो जाए। बोलो बोलो, काम करो अपना। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा चिकन क्यूब्स, और चिकन क्यूब्स थोड़ा सॉल्टी रहता है। यस एज यूजुअल, इसलिए कम डालना चाहिए। कम नहीं, उसको डालो जितना डालने का है। तो सॉल्टी रहेगा तो मजा थोड़ी आएगी। तो सॉल्ट कम डालना है। अच्छा ऐसा बोलो ना, कम दिमाग। क्या गुंडा बनोगे तुम, थोड़ा कम दिमाग है ना मेरा इसके लिए। थोड़ा सा डालेंगे हम सॉल्ट। ये वाला सॉल्ट बहुत खट्टा रहता है गाइस, पिंक सॉल्ट। खट्टा नहीं रहता, ज्यादा सॉल्टी रहता है। तो खट्टा ही बोलते ना उसको। ब्लैक पेपर, आपका मुंह बंद करवाते हुए मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, और इसको हमने मिक्स कर दिया। गाइस आप लोग इसकी तरह पागल नहीं बनना, ये आप वो मिक्सर खरीद लेना जो आता है ना मिक्सर, वो जैसे बटन दबाती है। अरे ओ दही, उससे पूरा पानी पानी हो जाता है। पानी पानी हो गई मत करो तुम, यहाँ पर वो होता है सर, दही पूरा पानी, ऐसा कुछ नहीं होता, स्लो मोशन पर रखने का उसको। व्हाई मैं क्यों इस आदमी के पीछे अपना एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड। मत वेस्ट करो, रोजा लग गया तुमको समझे। बार बार क्या, पहली बार तो बोला। तो इसके बाद हम लोग फौरन इसको, चलो तुम कराओ, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, चलो करो अभी तुम यहाँ। नहीं ब्लॉगिंग करूँ क्या मैं, ये करूँ बताओ। और लोग बोलते ना बहुत अच्छा हस्बैंड जी। हाँ मैं हेल्प करता हूँ, मेरे को जितनी हेल्प करने की रहती है। मैंने उसको बोल जो है मशीन ले ले, वो नहीं बोले इससे ही करूंगी मैं, और हाथ दर्द था करने के लिए। मशीन दिला नहीं रहे हो, मेरे को मालूम है ना मशीन कहाँ मिलती है, मेरे को मालूम होता है कब लेके। जब इसको खुद लिपस्टिक चाहिए थी बराबर नाइका खुलती है ऑर्डर करती है, ऐसा नहीं अमेज़न खोल के वो ऑर्डर कर ले रहे, वो सब मैं करूँ, लिपस्टिक खुद करेगी। मैं कुछ नहीं बोलता, मैं कभी नहीं बोला तुम्हारे को 50 रुपए जिसके लिए कहा बोलूंगा पैसा वेस्ट करते हो। चुपचाप चिकन इसमें डालते हुए मैरिनेशन के लिए सिर्फ चिकन डालेंगे, नॉट द मसाला इन द पैन, बिकॉज चिकन में मसाला ऑलरेडी चढ़ चुका है, तो बस वही डालना है अपने। ठीक है, तो इसे मैरिनेट करने के लिए हम थोड़े टाइम के लिए साइड में रख देंगे, पर साइड ही नहीं मिल रहा है मुझे। सो गाइस नीता ने देखो मैंगो क्रीम भी बनाई है, मैंगो का पूरा मस्त कुछ तो बनाई है, इसकी रेसिपी आप लोगों को उसने नहीं बताई गाइस, आप लोगों को हाँ तो बताना चाहिए था तुमको लोगों को। इसमें मैंने मैंगो को स्लाइस छोटे छोटे पीसेस करके इसके अंदर, फिर मैंने कटोरी के अंदर क्रीम और मिल्क मेड और थोड़ा सा केसर भी ली, मुझे बहुत पसंद है वेनिला एसेंस, वो डाल के मैंने उसको अच्छे से ट्विस्ट की, और थोड़ा सा दूध भी डाली, थोड़ा ट्विस्ट की, और फिर इसके अंदर पूरा क्रीम डाल दी ऊपर से, और ऊपर काजू बादाम पिस्ता। चलो खिस्ता निकलता, चलो खिस्ता। अमेजिंग। सो गाइस अभी वो वाला तो मैरिनेट हो रहा है, उसको रख दिया हम लोगों ने पेस्ट डाल के, अब यहाँ पे बन रहा है आप सबका डिमांडिंग, जो आप सब लोगों ने डिमांड किए थे, और जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है पिज्जा ब्रेड, जिसको मैं पिज्जा सैंडविच बोलता हूँ बट निधा उसको पिज्जा ब्रेड बोलती है, तो आपको जो बोलना है बोलो। तो अभी ये सबसे पहले जाएगा इसके अंदर ये कटा हुआ सब्जी, बेल पेपर और जो भी आपको सब्जी डालनी है वो आपके ऊपर है। अब मैं बेल पेपर डालती हूँ, कैप्सिकम डालती हूँ, ऑनियन डालती हूँ, टमाटर भी डालती हूँ, पर मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ अभी, बिकॉज टमाटर चोर यू। और गाइस इसमें कॉर्न्स भी जाएंगे, और जो आधे से बाहर भी गिरेंगे थोड़े, नहीं गिर गए सॉरी, अंदर डाल रही, देखो जो अंदर डाल रही है गंदा नहीं है, साफ की है। तो क्या कर रहे, सॉटे सॉटे कर रहे हैं अबे चौथे, क्योंकि सुफियान ने मुझे ओटी भी नहीं दिला रहे, ओटीवी जिसमें ओटीवी बनता है, इसको डेजर्ट सफारी करना है, एटीवी चलाना है इसको, जिसमें पिज्जा बनता है वो मुझे नहीं दिला रहे। तो नहीं तो गाइस जब इस पे बन रहा है, अंदर भाजी आधी कुक हो जाती है, आधी थोड़ी सी आधी कुक हो जाती है। इतना बड़ा 20,000 रुपए का ओवन उसमें नहीं होता, एक तो ऑलरेडी यहाँ पर ओवन है, इसके ऊपर इसको एक और एक ओवन चाहिए जिसमें पिज्जा बनता हो, इस पे भी पिज्जा बनता है गाइस, कमेंट करके बताओ यार कि इसमें पिज्जा बनता है कि नहीं बनता, इतने सारे फीचर्स दिए हुए इसके अंदर, ये देखो गाइस मेरे
इतने सारे फीचर, माइक्रो ग्रिल, लो फ्राई, लो प्रो, ये नो वो नो, क्या क्या लिखा हुआ उसके अंदर, नहीं चलता है। अब मेरे को बताओ, ऑलरेडी यहाँ पर एक ओवन पड़ा हुआ है, दूसरा इसके ऊपर कहाँ लगे रखेंगे, बताओ सामान का जाएगा उतना सारा, समझती नहीं है पागल। तो मैं क्या करूँ अभी, देखो मेरे उसमें भाजी अभी जो इसको पकाने के लिए मैं तवे के अंदर रखी हूँ और तवे को ढाक देती हूँ। अबे वो बताएंगे आगे, चलो अपना काम करो। ठीक है, तो उसमें ना भाजी नहीं पकती है, उसमें सिर्फ चीज मेल्ट होता है। हाँ चलो भैया, आपको मुझे भी यहाँ करना पड़ा, मेरा काम बढ़ गया ना। हाँ हाँ चलो चलो चलो, अच्छा खड़े गया हो गाइस। अभी इसको सॉटे करने के बाद इसमें चौथे चिकन जा रहे हैं, चिकन भी अभी सॉटे हो रहे हैं यहाँ पर। अब इसके साथ मैं क्या करूंगी ना, इसके साथ में बहुत ही नाइंसाफी, नहीं अभी मैं इसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करने के बाद इसमें सारे सामान डालूंगी, जैसे कि, और देखो गाइस ये ऑलिव ऑयल में मैं करती हूँ सब कुछ, तलना फलना जो भी है, तो इट इज वेरी हेल्दी। बट ये सस्ता क्यों है पता है, अगर आप इसके अंदर बेल पेपर नहीं डालना चाहते तो आप बेल पेपर मत डालिए, आप टमाटर भी डाल सकते हो, बट टमाटर को सॉटे मत करो क्योंकि वो सॉटे करने में टमाटर लुल हो जाएगी। तो सिर्फ सॉटे करने के लिए जैसे कि कैप्सिकम, ऑनियन, ये सब चीजें थोड़ी हार्ड होती है खाने में, हार्ड चीजें डालने का, जैसे कि पत्थर, कंकर। अभी मैंने अंडे, गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ फॉर टेस्ट, फिर ऑनियन पाउडर, बिकॉज ये सारी चीजें ना बहुत अच्छी लगती है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब लेके रखिए आप लोग, आप लोग को नहीं डालना आप मत डालिए, उसके अलावा भी बहुत अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है इस सब चीजों की। फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अच्छा तुम्हें ज्यादा डाल दिए, अगर अभी खारा हुआ तुम्हारे मुंह में ही पूरा ठोस दूंगा। पहली बार तो मैं रोजे में हूँ और अल्लाह पाक है ना, कभी भी ये टाइम पे ना अपने को सिक्स सेंस चलता है। तो तुम्हारे पास पहले टेस्ट करके देखती थी हमेशा, हर खाने को मैं टेस्ट करके देखती थी सॉल्ट ज्यादा। हाँ अभी कल से टेस्ट मत कर लेना, पता चला कि रोजे में खट्टा है। अरे ये पागल रोजा है तुम्हारा। चिकन क्यूब्स भी डालेंगे हम, ये मैंडेट है गाइस, ये सब फ्लेवर के लिए ना, ये सब मैंडेट ही है, समझ रहे हो आप लोग। जो बंदर घर में आया था वही ना, तुम बराबर अदरक खा के गया तुम्हारे, उसको बराबर स्वाद आया तुम्हारे अदरक का, कैसा फटी थी तुम्हारी, याद नहीं था। हाँ शैतान देख लिया तुमने, याद नहीं है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, यस फॉर टेस्ट, थोड़ा सा ऑरिगेनो। तुम लोग को पता है गाइस मैं नूडल्स भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, सिर्फ चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो यूज करके। सब बनाएंगे निदा, सब बनाएंगे हर रोज, सस्ते में सस्ता चीज। पिज्जा मिक्स गाइज, ये सब जो घर में बन रहा है ये सब है ना, समझो अगर आपके घर में 100 रुपए का बन रहा है तो यही सेम से आपको बाहर 300 रुपए की मिलेगी गाइज, एक बात ध्यान रखना। और गाइज मेरा किचन हमेशा की तरह ऐसा मेस्ड अप नहीं रहता, तो अभी तो सबका किचन ऐसी रहता होता, होने के बाद साफ हो ही जाता है। ये सब चलो, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, बताने की नहीं बात कर रही, कमेंट की बात कर रही हूँ। कोई कमेंट करे, कोई कमेंट नहीं करता निदा, सबके किचन ऐसी रहते हैं रमजान में, सिंगल माया पूरा पूरे घर का काम करती निदा, सबके घर में ऐसी रहता, सब होने के बाद साफ करती है। कितनी माया, तो गाइस इफ्तारी चालू हो जाती फिर भी बच्चों लोगों को गर्म कर करके देती, मेरी मम्मी भी ऐसी करते थे मालूम, पहले अजान हो जाती थी हम लोग खा रहा, मम्मी वहाँ खड़े रहकर तल रहे, मम्मी रोजा भी नहीं खोलते थे, फिर जब सब खा लेते थे फिर मम्मी रोजा खोलते थे, हम लोग जबरदस्ती मम्मी को बिठाई रोजा खुलवा देते। तो अभी हम लोग ये जो हो चुका है मसाला, इसको हम लोग इसमें डालेंगे, और जो भी आपको सॉस चाहिए, जैसे कि अभी मैं सुफियान से पूछूंगी कि सुफियान को कौन सा, तुमको जो डालना डालो मैं से मत पूछो, चिपोटले। हाँ तो हम लोग इसमें फिर डालेंगे चिपोटले। अरे सो गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंजेस आया है, अब हम लोग चिपोटले सॉस में डालेंगे, कल जो सॉस हम लोगों ने सैंडविच में डाले थे वही सॉस आज पिज्जा ब्रेड में डालेंगे, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही यम था गाइस सैंडविच का वो वाले। तो ये है चीजी स्प्रेड, अगर आप चीजी स्प्रेड नहीं डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो मायो। तो गाइस आप कोई भी बेस में स्प्रेड ले सकते हो, चीज स्प्रेड लेना है आपको, सो दैट यू नो थोड़ा सॉसी रहे, थोड़ा अच्छा लगे। मैंने इसको यहाँ पे फटाफट हर जगह पे ये स्प्रेड लगा चुकी हूँ, विच इज वेबा का कौन सा, ये चीज एंड चिली सैंडविच स्प्रेड। खत्म हो गया लेकिन ये, हाँ ये तुमने ही खत्म किया। तो फिर अभी अभी बनेगा कैसा, फिर हम डालेंगे थोड़ा सा सॉस, ऑब्वियसली इसमें ऊपर से ही सॉस डालना पड़ेगा, ज्यादा नहीं डालेंगे, और सॉस को भी स्प्रेड कर लेंगे हल्के हल्के हाथों से, और फिर हम इसमें डालेंगे हमारा मिक्सचर, अप्रोप्रिएट मिक्सचर डालने के बाद इसे थोड़ा सा हम लोग अपने हाथ से इसके ऊपर जमा देंगे, क्योंकि ये गिरता बहुत है, ये जमाने के बाद हम, ये देखो मैंने गाइस 2-in-1 ली हूँ, क्योंकि तुम बात ही नहीं कर रहे हो। क्या बात करो, अभी तुम रेसिपी बता रहे हो, तुम तो हमेशा बात ही नहीं करते हो। फिर इसके अंदर हम लोग कर देंगे इस पे चीज ग्रेड, अपन उसके ऊपर चीज स्लाइस भी रख सकते ना, बट चीज ग्रेड से ज्यादा अच्छा असर आएगा, क्यों पता है, क्योंकि ये थोड़ा ये पिज्जा है ना सूफी। हाँ अरे बापरे, इसमें तो एक चीज डालना भूल गए अपन, क्या पिज्जा टॉपिंग, क्या है वो पिज्जा का सॉस आता है तो डाले क्यों नहीं, पिज्जा सॉस डालना भूल गई, सॉरी गाइस।
तो वो ऑप्शनल है, जैसे कि मैंने चीज स्प्रेड डाली, सुफियान को चीज स्प्रेड चाहिए था नीचे, तो चीज स्प्रेड डाल सकते हैं, या तो फिर आप जो पिज्जा का सॉस आता है पिज्जा पास्ता सॉस, वो भी आप नीचे डाल सकते हो और उसके ऊपर ये सब रख सकते हो, पर सुफियान को ये पसंद है तो मैंने ये डाली। अब ये हो गया है रेडी। अब सुफियान आपके ऊपर जिम्मेदारी है इस मास्टरपीस को पूरा कंप्लीट करने की। ठीक है चलो फिर गाइस ये मैं कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर आप लोगों को दिखा देंगे इसको बेक कैसा करते हैं, ठीक है, बिना ओवन के। ये पता नहीं इसने क्या बच्चे लोग के किचन सेट में से उठा के ले गया, ये कुछ हो ही नहीं रहा इससे तो। अब तो अच्छा है कि ये वाला इतना बड़ा वाला था तो उसकी वजह से ये हो गया। सो गाइस अभी पता नहीं है क्या कर रही है इसके अंदर, ये मैंने जो भी चिकन थे उस सबको मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ, मुझे एक ही जगह पे रखना पड़ेगा बिकॉज़ ये गड़ी गड़ी ना बहुत। सो गाइस ऐसा आप लोगों को कर देना है पूरा। सो गाइस अभी आपको इसको गिरा दी, चिकन गिरा दी यार कोई काम के नहीं हो तुम। तो चलो फाइनली गाइस इसको आप लोगों को रोस्ट कर लेना है। इसको ओवन में क्यों नहीं करने दा तुम, ओवन में इतनी मजा नहीं आएगी। तो फिर तुम ओटीजी लेने क्यों बोल रहे हो, ओटीजी में ही मजा आएगी ना। कैसा कैसा पकड़ा मैंने अभी। सो गाइस देखिए कैसा रोस्ट हो रहा है, ये काला काला हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं चिकन टिक्का। निदा इतने अच्छे से रोस्ट कर रही है निदा, मेरे को तो डर लग रहा है कि तुम्हारे को बकरा ईद में ऑर्डर नहीं आना चालू हो जाए सिगड़ी के लिए कि अच्छा ईद हुई बकरा ईद तुम्हारे को फोन है निदा आओ जरा रोस्टिंग करने के लिए। सो गाइस जिसका आप लोगों को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है पिज्जा ब्रेड की, जिसको बिना ओवन के हम लोग बेक करेंगे। अरे इसका सॉस नहीं बनाऊं, अरे माँ अबे ये क्या, अबे यार निदा तुमने तो मेरे को उल्लू बना दिया यार, मेरे को लगा ये पिज्जा ब्रेड चालू हो रहा है अभी, अब तक तुम्हारी घड़ी इसी पेट की हुई है। तो हम लोग इसके अंदर ऑनियन डालेंगे। चलो कोई नहीं गाइस सॉरी फॉर माय मिस्टेक। इधर गले में लग रहा है इस मस्का, बाहर निकल गया। अरे लकड़े लकड़े क्या बोल रहे हो, नखड़े लकड़े बोबड़ी सोटे हो गया तुम्हारा, ये सोटे सोटे नहीं हुआ ना वे बोने। जैसे ही ये हो जाएगा इसके अंदर हम लोग ने जो ये मसाला बनाए थे मतलब जो मैरिनेशन था बस उसी को डालना है और उसको अच्छे से भूनना और चिकन डाल देना है। फिर निदा यार ये तो तुम्हारी वाइल्ड चिकन रेसिपी जैसा दिख रहा है, शाही चिकन नहीं, ये शाही चिकन नहीं, मलाई टिक्का चिकन, मलाई टिक्का चिकन है ये, मलाई चिच्चा। इससे पहले हमने इसको टिक्का किया ना, अच्छा अब एक एक करके हम इसमें डालेंगे, एक साथ डाल दो ना। अरे एक साथ डालने में, अबे जब तुमको इसको तो डालना है तो तुमने कांदा क्यों लगाया बीच में, वो भी तंदूर होने के लिए। तो गाइस बस आपको मिला लेना है इसको अच्छे से, बस ये रेडी है ना फिर निदा, यस इतना ही करना है ना। चलो इसकी रेसिपी हो गई गाइस, आई होप आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो। तो अभी बारी आ गई है फाइनली सुफियान का फेवरेट पिज्जा ब्रेड की, तवे को उन्होंने गरम कर दिए है और मैंने थोड़ा सा तेल लगा दी विद दिस ब्रश एज एन ओवन पकाने के लिए, फौरन इसको सब भाप देंगे पहले गरम करेंगे उसको अंदर थोड़ा गरम करेंगे चारकोल इफेक्ट। सो गाइस देख सकते हो आप लोग इस पर भाप जमना चालू हो गई है, जैसे ही भाप जमना चालू हो जाएगी आपको पिज्जा ब्रेड अंदर डाल देना है स्लो पे करके ताकि नीचे जल नहीं जाए वो, बेटा मुझे सब मालूम है। यह एक पिज्जा ब्रेड गया अंदर, फौरन बंद कर दो, जरा भी हवा नहीं लगनी चाहिए गाइस। अब बारी है दूसरे पिज्जा ब्रेड की, ये गया दूसरा वाला, इसको फटाक से ढाक देना है और इसको गाइस आप लोगों को स्लो आंच पे पकने देना है ताकि थोड़ा चीज मेल्ट हो जाए और नीचे से ब्रेड भी टोस्ट हो जाए, ठीक है। तो लेट्स वेट, इसका चीज मेल्ट हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि नीचे से भी ब्रेड कड़क हो गया है, हाँ। तो फौरन इसको निकाल देना है, इसीलिए मैंने वेजिटेबल्स पहले टॉस करी बिकॉज इसमें सिर्फ चीज मेल्ट हो। तो क्या आया, हेड्स आया टेल्स आया, टॉस किए तो काटा सब बैटिंग है बॉलिंग है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो कि कैसा मेल्ट हो रहा है, देखो मस्त एकदम बन गया है हमारा चिकन टिक्का पिज्जा ब्रेड। टिक्का नहीं है ये, तो क्या है, चिकन पिज्जा ब्रेड। तो इसमें तुमने टिक्का नहीं डाले, तुम बोले डालूंगी मैं, टिक्का इज अ डिफरेंट। चलो ठीक है गाइस कोई नहीं, जो भी बनाया बनाया लेकिन अच्छा ही बना। सो गाइस फाइनली आप लोगों ने देख लिया हमारी दोनों रेसिपी और ये अभी हम लोग जब इफ्तारी का टाइम होएगा जब खाने के बाद आप लोगों को रिव्यू देंगे इसका, माशाल्लाह इतना अच्छा बनता है ना गाइस, ये मैं तो हमेशा मतलब हर फ्रीक्वेंटली डेज में इसको बनवा के खाता ही हूं गाइस में, और गाइस वेट करो खाली बहुत मजा आने वाली है। सो गाइस माशाल्लाह हम लोग दस्तरखान पे बैठ चुके हैं और आज वक्त से पहला हमेशा दो चार मिनट पहले होता है, आज हमारा 10 मिनट पहले हो गया, हम लोग बैठे दुआ मांग रहे गाइस। तो एक दुआ मैं जरूर मांगना चाहूंगा आप लोगों के साथ भी कि या अल्लाह ऐसे ही हर मुसलमान का घर इफ्तारी के वक्त भरा हुआ रखना, दस्तरखान भरा हुआ रखना, आमीन। हर मुसलमान को नेक तौफीक देना, आमीन। हर मुसलमान को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाना, आमीन। पूरे 30 रोजे रखने की तौफीक अता फरमाना, आमीन। हमें हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमाना, आमीन। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनकी शादियां हो जाए या अल्लाह, आमीन।
हमारी तो हो गई गैस, हम हलाल हो चुके हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, लास्ट ईयर रमजान में मैंने दुआ की थी कि बस नेक्स्ट रमजान हम लोग दोनों शादीशुदा हो। आमीन। अच्छा हो गए, सॉरी। और हमारा ये लास्ट रमजान की बात कर रही हूँ, लास्ट रमजान मैंने दुआ मांगी थी कि नेक्स्ट रमजान हम लोग शादीशुदा रहे। हो गए ना गाइस, अल्लाह ने दुआ कबूल ना, दस्तरखान पे बैठ के जो दुआ मांगते गए वो दुआ कबूल होती ही होती है। आप लोग भी दुआ मांगना, हमेशा कभी भी दुआ मांगने में कंजूसी नहीं करना, जितना मांग सकते हो अल्लाह से दिल खोल के मांगो गाइस। चलो अभी इफ्तारी का वक्त होने वाला है, हम थोड़ी और दुआ करते हैं, हमारी पर्सनली भी जो भी है। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी हो गई, इफ्तारी हो गई और मैं जिम जाके भी आ गया। हम लोगों को दो तीन काम थे गाइस, वो भी हम लोगों ने पटा लिए, क्योंकि गाइस इफ्तारी के पहले कोई काम हो नहीं पाता, हम लोग उठते ही 1-2 बजे है और फिर उठते साथ हम लोगों को इफ्तारी बनाने का रहता है, व्लॉग बनाने का रहता है, हम लोग किसी से बात नहीं कर पाते, बाहर के काम नहीं कर पाते, तो जो भी काम होता है वो इफ्तारी के बाद होता है। तो हम लोग सब पटा के फ्री हो गए आराम से, मैंने अभी व्लॉग चालू किया और अभी निदा को लगी है भूख, और मेरे को भी भूख लगी है वैसे। मेरे को भी भूख लगी वही बोल रहा था, भूख लगने के बाद नीता बना रही है डोसा। यहाँ पर जो हम लोग लाए थे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं गाइस, इसके लिए जो भी सामान लाओ उसको इस्तेमाल करो। तो गाइस अभी ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, सीधा ब्लॉग चालू करेंगे हम लोग शहरी में। सो आप लोगों को क्या चाहिए और अरे क्या है ये, सो गाइस चलो यहीं पर ब्लॉग एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू। Do not forget to hit the bell icon. Do not forget to hit her. Hee gandi.